फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आपकी अवधि एक महीने से कम है तो स्टॉक का चयन कैसे करें, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, कुछ टेक्निकल रिसर्च करते हैं, कुछ न्यूज बेस्ड पर करते हैं और कुछ का अदर मेथोलॉजीज होता है। आज मैं आपको इन सारे के कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप शॉर्ट टर्म के 5 स्टॉक्स सिलेक्शन के स्ट्रेटजीज को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे जानकारी वाले लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो है मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी। मूविंग एवरेज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर किसी स्टॉक को एवरेज प्राइस को मूविंग एवरेज कहते हैं। ये मूविंग एवरेज 15, 20, 30, 50, 100, 150, 200 डेज का हो सकता है। चार्ट पर मूविंग एवरेज की लाइन अगर आपको स्लोपिंग अपवर्ड दिखे तो बुलिश और स्लोपिंग डाउनवर्ड दिखे तो बेयरिश मार्केट दर्शाता है। लंबे समय वाले मूविंग एवरेज के लाइन को स्लोअर मूविंग एवरेज लाइन और कम अवधि वाले मूविंग एवरेज के लाइन को फास्टर मूविंग एवरेज लाइन कहते हैं। और जब चार्ट में ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल मिलता है, जिसे हम स्टॉक सिलेक्शन में जनरली यूज करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। अगर चार्ट में 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज के लाइन को नीचे से क्रॉस करता है और ऊपर की तरफ, तो उसे बाय का सिग्नल समझते हैं। और ऐसे लाइन पर स्टॉक में अपसाइड जाने की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। सेकेंड जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो है ऑन द बेसिक ऑफ बिजनेस साइकिल। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ये फंडामेंटल अप्रोच है जिससे हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। जो कंपनी सीजनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उनके सीजनल ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि भारत में पेंट कंपनीज आपको फेस्टिवल के टाइम पर अप ट्रेंड में दिखेगी, जैसे दिवाली के समय जब मैक्सिमम लोग अपने मकान को पेंट करवाते हैं, इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर तक पेंट कंपनीज में आपको उछाल देखने को मिलते हैं। ऐसा सिलेक्शन मेथड केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। नंबर तीसरा जो है फॉलोइंग द ट्रेंड स्ट्रैटेजी। बहुत ऐसे स्टॉक लिस्टेड हैं जो मार्केट के अप ट्रेंड में ट्रेंड हो जाते हैं, और इस तरह के स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे रिटर्न देते हैं, और उसी रिटर्न में और अप ट्रेंड में आप उसमें इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जो कि आपने इस 2020 में मार्च के बाद अगस्त के बाद देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिना मतलब के ट्रेंड हो रहे थे और रिटर्न दे रहे थे। उस वक्त अगर छोटे समय के लिए, यानी कि 10 से 15 दिन या 1 वीक के लिए आप निवेश किए होते तो आपको रिटर्न मिलता। तो ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम कुछ दिनों के लिए या 1 वीक के लिए रिटर्न बना सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 4 स्ट्रैटेजी की, जो है अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्शन का टेक्निकल स्ट्रैटेजी होता है, जिसमें आप अपने समझ से अपर एंड लोअर प्राइस बैंड सेलेक्ट करते हैं जिसके बीच स्टॉक का प्राइस ट्रेड होता रहता है। ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस केवल 1 से 2 वीक के लिए निवेश के लिए मकसद को लेकर ही किया जाता है। ये दो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे। आप भी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें और जागो इंडिया जागो फैमिली का हिस्सा बने। आज का जो लास्ट स्टॉक सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न टू ट्रैक रिवर्सल। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये भी एक बेहतरीन तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का। इन सिंपल, रिवर्सल मींस चेंज इन द डायरेक्शन टू द अपोजिट। मार्केट का 2 डायरेक्शन होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिवर्सल स्ट्रैटेजी ये बतलाती है कि स्टॉक का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ये डायरेक्शन चेंज अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो सकता है। बेसिकली कैंडलस्टिक एक बार शेप के जैसा चार्ट होता है जिसे टॉप टू बॉटम को एक कैंडल कहते हैं। इसमें स्टॉक का प्राइस मूवमेंट का इंफॉर्मेशन होता है। कैंडलस्टिक किसी भी सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, करेंसी या कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट को सीमाबद्ध करता है। जो कैंडलस्टिक चार्ट में बनते हैं उनमें 4 इन्फॉर्मेशन उस अवधि का दर्शाता है जिसमें ओपन, क्लोज, हाई एंड लो प्राइस होता है। जब कैंडलस्टिक में कैंडल फिक्स्ड सीक्वेंस में फॉर्म्ड होता है, समझ जाता है कि उस स्टॉक में रिवर्सल पैटर्न होने वाला है। इसके अलावा कुछ फेमस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश मॉर्निंग स्टार, बुलिश हैमर, 3 व्हाइट सोल्जर्स एक्सेट्रा। ये 5 स्ट्रैटेजी है जो आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं, या फिर हमारे ज्वाइन बटन जो दिख रहा है उससे मेंबरशिप लेकर आप हमारी भी राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक अनदर नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।